हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल विश्वास अरोड़ा। दिस इज अमित विश्वास बीएमएस फाइनल रेस्टोरेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं यूपी आयुष काउंसिल की जो ऑफिशियल साइट पे अपडेट थी, जो 6 तारीख से ऐसे मैसेज था कि रजिस्ट्रेशन डेट आने वाली है यूपी आयुष काउंसिलिंग की। तो चलो चेक करते हैं और बताऊंगा क्या अपडेट। हे गाइस आई एम बैक। तो आज के चलिए अपडेट की तरफ जान देते यूपी आयुष काउंसिलिंग लेटेस्ट अपडेट। और आज इस वीडियो में क्या देखेंगे, ऑफिशियल अपडेट क्या क्या अभी है यूपी आयुष काउंसिलिंग के लेके, जो कि होने वाली थी 6 सितंबर को। आज डेट आने वाली थी, जो भी नोटिफिकेशन डेट की थी शेड्यूल आने वाला था, आज शेड्यूल रिलीज होने वाली थी। तो गाइस चलते हैं और प्राइवेट और नेक्स्ट में ये लास्ट में ये बताऊंगा प्राइवेट कॉलेज में क्या स्कैम चल रहा है। तो गाइस मैं लेटेस्ट अपडेट के लिए डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, डायरेक्ट मैं वेबसाइट पर जा रहा हूँ। तो गाइस ये वेबसाइट है यूपी आयुष। तो गाइस जैसे कि मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं है यूपी आयुष काउंसिलिंग। तो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यूपी आयुष काउंसिलिंग की ये वेबसाइट है http://upiayushcounseling.up.sds। तो गाइस आपके स्क्रीन पर ये ऑफिशियल साइट यूपी आयुष काउंसिलिंग, आप भी चेक करते रहना। अब तो गाइस चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइस स्क्रीन पर आपको देख रहा होगा कि द एरर्स हैज ऑकर्ड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यू हैव यूज बैक फॉरवर्ड रिफ्रेश बटन ऑफ द ब्राउजर, यू हैव डबल क्लिक एनी ऑप्शन, क्लिक हियर टू होम पेज। तो गाइज जो ऑफिशियल वेबसाइट पे यूपी आयुष काउंसिलिंग का साइट है उस पर आ रही है 2023-24, मतलब अभी अपडेट कुछ नहीं है। क्लिक इसमें ऑप्शन आ रही है क्लिक हियर टू गो होम पेज, इसमें भी आ गए। तो गाइज सीधी सी बात है, जो भी साइट है बहुत क्रैश कर रही है, तो अभी आज तो कोई अपडेट नहीं है, 6 तारीख में कोई अपडेट नहीं है। तो गाइज होप, हाँ अब इसका एक्सपेक्टेड डेट मैं बताऊंगा कब। तो गाइज अपने स्क्रीन पे आते हैं। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, जो मेरा जो है विश्वास आयुर्वेदा कंसल्टेंसी मेरी चल रही है और उत्तर प्रदेश, बेसिकली मैं अपने बारे में छोटा सा इन्फो, मैं खुद बीएमएस फाइनल के स्टूडेंट और हाँ मैं यूपी में ही प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो मुझे यूपी की सीधी सी बात, यूपी की मुझे थोड़ा डीप नॉलेज है और मैं पिछले 4-5 सालों से काउंसलिंग करा रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग फाइन टॉप बीएमएस कॉलेज बेस्ड ऑन नीट मार्क्स, जितने भी आपके मार्क्स से आप क्वालिफाई हो तो आपके मार्क्स से ऑडी अच्छे कॉलेज, क्योंकि यूपी में मोर देन 80+ बीएमएस कॉलेज हैं प्राइवेट। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आपके लिए कौन सा किस जगह कॉलेज ले प्राइवेटली, तो वो सर चीज़ आपके लीजिए। तो गाइज कॉल फॉर अस, हमें कॉल करें फॉर यूपी आयुष काउंसलिंग की डेट, सीट मैट्रिक्स, फीस कितनी है कॉलेज की, कॉलेज कटअप कितना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, काउंसलिंग प्रोसेस, तो ये सब सारा हम लोग कराते हैं, सारा पेड काउंसलिंग में होते हैं। इसका हम लोग चार्ज है न बाकी इधर 25,000 लेते हैं, ना 20,000 लेते हैं, ना 10,000 लेते हैं, ना 5,000 लेते हैं, मिनिमम अमाउंट। वो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करोगे तो मैं बता दूंगा कितना हमारा पेड काउंसलिंग है। बैद अमित सर माई नेम एम बी एम एस फाइनल ईयर। तो गाइज ये सब हम लोग पेड काउंसलिंग में सब सारा सर्विस देते हैं और हम लोग इतना फीस नहीं लेते, 25,000 बहुत मिनिमम अमाउंट, तो आप मुझे कॉल करना। तो गाइज ये रही ऑफिशियल अपडेट की। तो जो भी यूपी आयुष काउंसिलिंग की डेट आने वाली थी 6 सितंबर को, तो आज नहीं। तो गाइज इसकी एक्सपेक्टेड डेट मैं इधर बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड डेट यूपी आयुष काउंसिलिंग की काउंसलिंग। तो गाइज इसके आज है 6, 7, 8। तो गाइज कल शाम को हम लोग वेट करके देख सकते, क्योंकि कल 7 सितंबर को 5 PM को नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसा कि मेरा सोर्स से हमारी बातचीत जो थोड़ा बहुत रिसर्च हुआ, तो 7 सितंबर को हमारी काउंसलिंग की शेड्यूल आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो गाइस इसके लिए मेरी वीडियो पर अगर जैसे ही आएगा तो विद इन 1 आवर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर अपडेट हो जाएगी। हाँ अब छोटा सा मैं इस पर बात कर लूँ, जो प्राइवेट कॉलेज स्कैम था, ये कैसे आजकल स्कैम चल रहे काउंसलिंग के नाम पर। तो गाइस प्राइवेट बीएमएस कॉलेज स्कैम, इसमें क्या हो रहा है गाइस, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत डीप बातें करने वाला हूँ, जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में जिसमें एडमिशन ना के बराबर होते हैं, एडमिशन ना के बराबर, तो उसमें क्या करते हैं कॉलेज अपना प्यारा सा वीडियो शूट करवा रहे हैं, काउंसलर को बुला रहे हैं, अपना शूट करवा रहे हैं, और उसके बजाय उसको अच्छा खासा अमाउंट, उसको टोकन ऑफ मनी उसको दे रहा है। तो गाइज ऐसे वीडियो जो यूट्यूब पर बार बार एक ही वीडियो की टॉप कॉलेज जिसके अंदर बढ़िया सा शूट हो रही है, तो गाइज ऐसे वीडियो ऐसे कॉलेज में तुम ना ही ले, ऐसे कॉलेज में जाना ही नहीं, सीधी सी बात। और जाना भी है तो आप वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे बात करो, वहाँ के स्टूडेंट से बात करो, वो बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाली। और दूसरी चीज़ है
पहली चीज को सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं करें, हर चीज सोशल मीडिया पर जो रियल है वो सही हो ये भी जरूरी नहीं। और दूसरी चीज है फेक पेशेंट, ये तो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल। इसमें क्या है, जो कॉलेज है अभी जैसे वो चल रहा है NCSIM का, वो इंस्पेक्शन चलते है, बाकी कॉलेज क्या करते हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं यूपी में, एक ही कॉलेज नहीं है, उसमें क्या है फेक पेशेंट। इसमें क्या होता है 250 या 300 पे पर दिन ऐसे पेशेंट ला रहे हैं एज ए आपको दिखाने के लिए कि हाँ हमारे यहाँ तो पेशेंट बहुत है। तो गाइज ऐसे थोड़ा बच के रहना। सबसे बढ़िया चीज़ है आपको वेरिफिकेशन किसी कॉलेज का करने तो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो प्रीवियस स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट करें। सबसे ये जो स्टूडेंट रिव्यू देंगे सबसे काम की चीज़ है, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं वो सही रिव्यू देंगे। तो गाइज ये रही हाँ। और सबसे बड़ी फ्रॉड काउंसलर, आजकल जो सोशल मीडिया पर हर कोई काउंसलर बन चुका है, तो इनसे बचे, क्योंकि ये कुछ रुपयों के लिए कॉलेज से, मैं बहुत ओपनली नहीं बताना चाहना, तो इनसे थोड़ा बचे। हर किसी पर ट्रस्ट करें ये भी जरूरी है, वो बस आपका पैसा मारने वाले। और गाइज रही चौथी बात, पेमेंट चौपचीस। हाँ मैं तो नहीं मानता कि आप जो भी काउंसलिंग करें जैसे UPI काउंसलिंग प्राइवेट के लिए, आप किसी को 25,000 पे करो कोई मतलब नहीं, सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारा सोर्स अवेलेबल है, लेकिन किसी के लिए छोटी सा 25,000 पहले होता था मैनेजमेंट कोटा ये कोटा, हर चीज ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे हर चीज अपडेट है, हर चीज आपको मिल जाएगी फ्री में। तो 25,000 देना कोई मतलब नहीं, 25,000-15,000 किसी को पेमेंट करना फॉर काउंसलिंग बस कुछ ना, बट डर का माहौल है, डर का बिजनेस है। हाँ सबसे बड़ी चीज कॉलेज वाले क्या करें, कॉलेज फीस उनका जो ऑन पेपर फीस है 2,00,000 है, 4,000 समथिंग, 2,10,000, 2,15,000, 2,00,000 भी, लेकिन आप जाओगे कॉलेज तो बता देंगे 3,00,000 फीस है। तो ऐसे कॉलेज से बच कर रहना। सबसे बढ़िया मैं बता ही दिया आपको कि कांटेक्ट करें स्टूडेंट से, वहाँ के पुराने कांटेक्ट स्टूडेंट से कांटेक्ट करें। तो गाइस ये रहा मेरा आज का अपडेट, कैसे प्राइवेट कॉलेज स्कैम से बच करें। और अपडेट क्या है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है रजिस्ट्रेशन की। हाँ कल में भी शाम तक नोटिफिकेशन आएगी, नहीं तो परसों तो आ जाएगी। तो आज ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन का डेट नहीं है UPI काउंसलिंग, और आप भी UPI काउंसलिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो मुझे फॉलो करना है। और मेरा नंबर ये शो हो रहा है आपको स्क्रीन पर भी शो है 6200617738। तो गाइज मुझे कॉल करना है, अपडेट कुछ भी छोटा से छोटा डाउट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आप भी परेशान हैं तो आप मुझसे पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट, ना ही 10,000-20,000, ना ही 5,000, तो उसमें हम लोग सारा प्रोसेस करा देते हैं। तो गाइज मिलते हैं ऐसे अपडेट के लिए, तब बाय, टेक केयर, गुड नाइट।